अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी दोस्तों, मैंने जो है सॉफ्ट टच कंपनी वालों की एक मिनी फेशियल किट जो उन लोगों ने न्यू लॉन्च की है वो जो है ऑर्डर दी है पाकिस्तानी पैसों में। ये 750 रुपये की है एंड डिलीवरी चार्जेस लगा के मुझे ये तकरीबन 900 तक घर पर मौजूद मिली। इसमें जो है ये 7 प्रोडक्ट हमें देते हैं। अच्छा, इसको ओपन करने के बाद ये एक डिस्क्रिप्शन जो है वो देते हैं जिसमें लोगों ने बताया हुआ है कि किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में दे दूँ, इसमें कॉमिंग लोशन है जो कि स्किन को पुरसकून करता है और नाम से ही जाहिर है। उसके बाद स्किन स्प्लेंडर लोशन है जो जिल्द को रौनक मुहैया करता है। उसके बाद इसमें इंस्टा ग्लो पाउडर है जो कि फौरी तौर पे इंस्टेंट ग्लो देता है आपकी स्किन को। उसके बाद इसमें रिफ्रेशिंग कंपोजिट है, स्किन को तरोताज़ा रखता है। डीप क्लेंजर एक्शन है, इसमें स्किन से डर्ट को रिमूव करता है, मेकअप को साफ करता है, पोजेस को श्रिंक करता है। विटामिन ई क्रीम है, स्किन को मॉइस्चराइज करती है, स्किन को हील करती है, स्किन पे जो कैंसर वगैरह के जो हो जाती है उससे प्रिवेंट करती है, स्कार्स की जो अपियरिंग होती है उसको कम करती है, फाइन लाइन और रिंकल से दूर करती है। उसके बाद इन लोगों ने इसमें दिया है वेजिटेबल मास्क। ये मास्क जो होता है ये हम आंखों के इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं। दूसरे मास्क जो होते हैं हमारी स्किन के कुछ हसास हिस्से होते हैं वहाँ पे हम नहीं लगाते, लेकिन ये यूज़ कर सकते हैं हम मास्क डार्क सर्कल वगैरह के लिए। ओके जी, अब ये फेशियल किट जो है मैंने ओपन कर ली है। अच्छा, ये कुछ इस तरह की दिखेगी, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखा दी। ये 7 प्रोडक्ट्स इन लोगों ने दिए हुए हैं, लेकिन टोटल 2 से 3 तरीके से, यानी कि 2 से 3 हिस्सों में ये फेशियल हो जाता है। सबसे पहले मैंने इसका डीप एक्शन क्लेंजर लगाया जो कि हम डर्ट वगैरह मेकअप रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये थोड़ा सा लिया, इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी मौजूद थे जिससे स्किन जो है वो अंदर स्किन की यानी कि थर्ड लेयर तक जाती है और बहुत ही अच्छे से स्किन को, स्किन से मेकअप को, डर्ट को, इम्प्योरिटीज़ को ये दूर कर देती है। इसका मैंने 5 से 6 मिनट तक मसाज किया। स्किन पॉलिश बनाने का तरीका आपको जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसमें मौजूद है। 1 स्पून के हिसाब से 4 जो हैं ये प्रोडक्ट हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे और हम इसको स्किन पॉलिश बना लेंगे। स्किन पॉलिश जैसे आम बनती है वैसे ही बनेगी, थोड़ी सी थिन बनती है। मेरे पास एक्चुअली ब्लीच करने वाला या स्किन पॉलिश वाला ब्रश अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही ब्रश इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ आप इसको हाथ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको अपने गले पर और बेक नेक पर और चेहरे पे लगा लिया था क्योंकि स्किन जो है वो पूरी तरीके से कवर अप हो जाए तो सही है। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद इसको मैंने एक ब्रश और लगाया क्योंकि फिर से मैंने थोड़े से बबल वगैरह जैसे आम ब्लीचिंग में आ गया स्किन पॉलिश में आते हैं वैसे इसमें नहीं आए। उसके बाद मैंने स्किन पॉलिश को रिमूव करना शुरू किया, बड़े ही आराम से ये स्किन पॉलिश रिमूव हो गई। कोई रेडनेस, कोई ख़ारिश वगैरह इस स्किन पॉलिश से मुझे नहीं हुई। रिजल्ट्स जो थे वो इतने सही थे, यानी कि ऐसे नहीं कह सकते कि A1 रिजल्ट्स हों, वैसे रिजल्ट इसमें मुझे नहीं मिले, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट थे। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ कर रही थी। उसके बाद जो है मैंने इनका वेजिटेबल मास्क अप्लाई किया। वेजिटेबल मास्क जो है इन लोगों ने साशे में दिया है। आई रिकमेंड कि अगर ये भी कोई छोटी सी जार में होता तो वो ज़्यादा बेहतर था क्योंकि अगर साशे में चीज़ आती है तो उसको संभाल के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल फेशियल किट जो थी वो बहुत अच्छी थी। इन लोगों ने नहीं पैकिंग की है इसकी, कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा के, कुछ बॉटल्स वगैरह को बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने बनाया है। वेजिटेबल मास्क जो होता है वो डार्क सर्कल्स वगैरह को भी दूर करता है, आंखों पे जो पफीनेस होती है उसको भी रिमूव कर देता है। मास्क को रिमूव कर दिया मैंने पहले स्पंज से, उसके बाद जो है मैंने फेस वॉश कर लिया सिर्फ पानी से ताकि जो भी मास्क वगैरह था वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद मैंने विटामिन ई क्रीम लगाई। इन लोगों का ये क्लेम करते हैं कि ये स्किन से जो है वो स्किन को इवन टोन करता है, स्किन की कॉम्प्लेक्शन को क्लियर करता है, स्किन से जितने भी दाग, एक्नी, स्कार्स, डार्क स्पॉट्स दूर करता है, स्किन को जवान रखता है और जो बालों की फेशियल हेयर ग्रोथ होती है वो भी ख़त्म करता है।
ये फाइनल रिजल्ट है। चेहरा मेरा बहुत अच्छा हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, ग्लोइंग हो गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वन लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।